हेलो गाइस, जो और बात करते हैं पीसी ज्वेलर्स की। तो पीसी ज्वेलर्स में यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है 2 दिनों में ही। और ये आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कट बताया था कि पीसी ज्वेलर्स में दोस्तों ये अब ये बॉटम बना चुका है 90 का, और 90 के नीचे पीसी ज्वेलर्स जा नहीं रहा। तो आप इसमें 90 का क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस भी बताया था मैंने, और इंट्राडे का स्टॉप लॉस आपको याद होगा कि 89 का स्टॉप लॉस बताया था। वो स्टॉप लॉस लगा के पीसी ज्वेलर्स में 95, 99 और 100.50 के निकले, तो आप 108 और 111 को ही निकले, तो 166 रुपये का टारगेट दिया था। ध्यान देंगे ये इस वीडियो को दोस्तों कि ये टर्निंग पॉइंट मैंने बताया था कि जैसे ही 111 के ऊपर क्लोजिंग आएगी पीसी ज्वेलर्स की, तो शॉर्ट टर्म के मेरे टारगेट थे इसमें 166 रुपये के, जिसमें आज मैंने टारगेट दिए थे इंट्राडे के, आज मेरे टारगेट मैंने दिए थे 133 रुपये के। जो देख सकते हैं इसने 133 रुपये तक इसने टच किया, 131 रुपये तक इसने बिल्कुल 130.70 का इसने हाई लगाया है। तो अपना टारगेट यहाँ पे आज एक दिन में इसने जो मैंने इंट्राडे का जो दिया था वो यहाँ पे क्लियर करता हुआ, और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में इसने 131.45 को टच किया है। देख सकते हैं 131.45 को फ्यूचर में टच किया है। और ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन उसमें कॉल जो ऑप्शन होती है उसमें अभी बैन कर रखा है, जो पहले की जो पोजीशन खड़ी हुई है वो ही चल रही है, ठीक है ना। तो इसमें भी ज़बरदस्त धमाल मचाया है, जैसे कि जो पीसी ज्वेलर्स का कॉल है और तो ज़बरदस्त वहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। और दूसरी बात है कि पीसी ज्वेलर्स की तेज़ी का जो राज है वो ये राज ये है कि जो अब जो ऑप्शन की जो पोजीशन खड़ी है ना, ये पहले की जो खड़ी है अप्रैल अप्रैल की, वो तो खड़ी है, लेकिन कोई नई पोजीशन नहीं बना सकता। नई पोजीशन वाले ना तो कोई बाई कर सकता ना कोई सेल कर सकता, जिनकी पोजीशन पहले से ऑलरेडी है जो शॉर्ट करके बैठे हैं, या तो वो बाई करके निकल जाए अपनी नुकसान करके निकल जाए, या जो बाई करके बैठे हैं वो प्रॉफिट करके निकल जाए, लेकिन नई पोजीशन कोई नहीं बना सकता। इसलिए पीसी ज्वेलर्स में तेज़ी आई है, क्योंकि अपने आप को बैन करके यहाँ से निकला है। और अगर जो फ्यूचर्स में जो बैन हो जाता है, ऑप्शन फ्यूचर में बैन हो जाता है, तो उस शेयर में क्या होता है, तेज़ी आती है। क्यों आती है तेज़ी, क्योंकि कोई नई न्यू पोजीशन से शॉर्ट सेलिंग कर नहीं सकता। आप जानते हो इंट्राडे में ही हो सकती है, लेकिन लॉन्ग या पोजिशनली शॉर्ट सेलिंग नहीं होती है। बलरामपुर चीनी ने भी ऐसा ही किया था, जब वो 80 से लेके और 60 की रेंज में आके फंस गया था बलरामपुर चीनी, तो और वो 2-4 महीने वहीं बिता रहा था, तो उसने क्या किया कि ऑप्शन और फ्यूचर में बैन अपने आप को करवाया। जैसे बैन हुआ और बलरामपुर चीनी देख सकते हैं, मैंने उसमें 130 रुपये तक का टारगेट दिया था और 130 को भी पार कर गया बलरामपुर चीनी। तो दोस्तों यहाँ पे SS मार्केट न्यूज़ में यहाँ पे गजब का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आपको 90% से लेकर 99% तक की एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे मिलता हुआ, तो पीछे ज्वेलर्स में यहाँ पे धमाल आपको दिख रहा होगा। और इसका कल की रणनीति के बारे में आपको बता दें, लेकिन सबसे पहले दोस्तों रणनीति बताने से पहले आपको मैं जो नए मेहमान हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों चूक ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबल कॉल आपको दी जाती है और उसका फ़ायदा उठाएं। और अपने लेकिन दोस्तों फ़ायदा उठाने से पहले यह है कि जो रिस्क जो मैनेजमेंट है ना, वो आप अपना मेंटेन कर लें, क्योंकि स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि कल का इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा, जैसे ही इंट्राडे में ये अगर ये 124 को ब्रेक कर जाए तो उसके बाद में 124 के ऊपर निकलने दे, या तो अगर ये सुबह सुबह अगर 125, 26, 27 जो भी दिखाई दे, 124 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर साथ में रखें, ठीक है ना। 124 का स्टॉप लॉस साथ में रखें, उसके पश्चात आप इसको वापस 1133 और उसके बाद 1133 के ऊपर ये होल्ड करता है। एक बार इसमें चार्ट में मैं देख लेता हूँ कहाँ तक जा सकता है। वैसे अपना इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट 166 रुपये का मैंने दे रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो इंट्राडे का जो टारगेट्स हैं तो आपके लिए निकाल के लेके आता हूँ मैं। हाँ 133 के बाद में दोस्तों 140 पॉइंट और 61 का टारगेट आ रहा है, लेकिन ये इसमें जो टारगेट है इसके पहले एक छोटा सा टारगेट आपको और ये दिखाएगा, ये वो है 137 पॉइंट और 40, है ना, 137 पॉइंट 40 और 100
40.60, ये जो दो टारगेट है 133 के बाद में, एक कल के इंट्राडे के ट्रेडिंग सेशन में जैसे 124 का स्टॉप लॉस लगा के आप 133 और 137.40 और 140.60 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इन दोनों को ब्रेक कर जाता तो पीसी ज्वेलर्स पर आपको जो 166 तक के टारगेट जो मैंने दिए थे वो भी ये आपको दिखा सकता है। ये एक दिन में इसका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, ये एक ही दिन में 166 या ये 178 180 भी यहाँ से जाता हुआ नज़र आ सकता है। पीसी ज्वेलर्स की रफ्तार के बारे में मैं बता चुका हूँ, नहीं यकीन हो तो आपको मैं दोबारा से बात करा देता हूँ। ये देख सकते हैं इसकी रफ्तार, ये यहाँ पे 95 से दो दिन में ही आ चुका है 131 के लगभग, ठीक है। और पिछली रफ्तार के बारे में आपको यहाँ पे मैं थोड़ा नोट करा दूँ, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, जिन्होंने देख लिया है वो तो समझ गए होंगे कि इसकी रफ्तार बहुत फास्ट गति से निकलता है और ये तीन दिन में ही इतनी गजब तरीके से निकल जाता है शेयर कि दुगुना तिगुना हो जाता है यहाँ से, ना तीन गुना तक यहाँ पे अपना रिटर्न दे सकता है, इतना दमकम रखता है। तो ये देख सकते हैं ये रहा इसका, पिछली बार का भी यहाँ पे देखो इसने ऐसा ही कुछ कमाल किया था उसी जगह से, और इसका मैंने यानी यहाँ से जो निकला था ना ये, इसके एक दिन पहले अवगत करा दिया था और उसी दिन भी आपको अवगत करा दिया था कि पीछे ज्वेलर्स यहाँ पे बॉटम बना चुका है और ये बॉटम बना चुका है। तो ये इसी इस प्रकार यहाँ जो निकला है उसी प्रकार पीछे ज्वेलर्स यहाँ से अब निकल सकता है। देख सकते हैं ये 95 का, 95 से एक दिन में गया था ये 127 और 127 से दूसरे दिन चला गया था यानी 127 से 182 रुपये और 182 से तीसरे दिन में चला गया था 244 रुपए, देख सकते हैं। और चौथे दिन 244 से चला गया था ये 364 रुपए। तो कितना भयंकर, इतने जबरदस्त उछाल दिखाया चार दिन के अंदर ही ये चला गया था भाई साहब 254 और 264, हाँ चार दिन में 264 पे चला गया था। तो और ये इसका आपको नज़रिया मैंने बता दिया था कि पीछे ज्वेलर यहाँ पे बॉटम बना चुका है, देख सकते हैं इसने लगभग 5-6 महीने से 90 को निकाला था और 90 से टकरा कर वापस जा रहा था। इसमें तो मैंने आपको इसको क्लियर किया, कट किया था कि पीछे ज्वेलर्स 90 के ऊपर निकलते ही आप इसमें 95 और 150 के ऊपर निकलते ही आप इसमें 108 और 111 के ऊपर निकलते ही आप इसमें 166 रुपये तक के टारगेट के लिए बने सकते हैं। तो देख सकते हैं 111 के बाद बिल्कुल क्लियर कट 131 का टारगेट तो इसने झपकी से दे दिया, एक कहें ना लंबी छलांग लगाते हुए। तो इसका क्लियर कट 200 टारगेट ये है और चार्ट में यहाँ पे जो है इसको टारगेट दिखा रहा है आगे के लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है पीसी ज्वेलर्स में, देखना पीसी ज्वेलर्स में विश्वास लोगों को बनने लगेगा, पीसी ज्वेलर्स में लोगों को विश्वास बनने लगेगा। जिस प्रकार देखो विश्वास तो होना चाहिए, और टेक्निकल चार्ट का इसका जो इंडिकेट कर रहा है आज तो मैंने खुद ने इसमें पीसी ज्वेलर्स में सुबह सुबह ही इसमें 114 की बिट लगा के बाय किया था और उसको 125 पे निकाला है ना। तो ये मतलब देखो वो तो है क्या कि फ्यूचर्स नहीं है, अधिकतर फ्यूचर्स में काम करता हूँ, लेकिन इसमें जो चार्ट बोल रहा था तो इंट्राडे में कुछ पोजिशन उठाई और यहाँ पर इसको प्रॉफिट बुक किया 125 पे और गया चला गया था 133 का जो मैंने आपको टारगेट दिया था। लेकिन मैंने एक बार ही प्रॉफिट करके इसका फिर आपको टारगेट जो दिया, जो लॉन्ग टर्म के इंटरेस्टेड है, मेरा इंटरेस्ट में पोजीशन थी तो मुझे वो क्लियर करनी थी, पोजिशनली मैंने इसमें नहीं लिया था, ठीक है। लेकिन पोजिशनली जो आगे के इंटरेस्टेड लोग हैं वो आपको बता दें, ये जैसे ही 166 रुपये को जो निकालेगा पीसी ज्वेलर्स और 170 के ऊपर इसकी अगर क्लोजिंग आएगी तो पीसी ज्वेलर्स आपको फिर जाएगा 210 पे, है ना। अगर 211.50 की अगर पीसी ज्वेलर्स की क्लोजिंग आती है फिर पीसी ज्वेलर्स की रफ्तार जाएगी 249 रुपये तक, 249 रुपये तक पीसी ज्वेलर्स फिर जाने की दमखम दिखा सकता है। लेकिन फिर 249 से लेकर 265 का एरिया में आपको छोड़ूंगा, ठीक है। इस एरिया में कुछ नहीं करना, 249 से लेकर 265 के एरिया में, जैसे 266 पर पीसी ज्वेलर्स निकलता है तो पीसी ज्वेलर्स वापस आपको 352 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। दोस्तों ये जो अचंबा है, जो विक्रांगी के बारे में मैंने कुछ ऐसे लेवल दिए थे जब 25 पे था और मैंने बताया था विक्रांगी 70 को टच करने वाला है, 70 देखो विक्रांगी भी 70 को 71 को टच कर चुका है।
ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो ऐसे प्रॉफिटेबल कॉल पाने के लिए दोस्तों जुड़े रहिए एसएस मार्केट न्यूज़ से। दोस्तों नए जो बंदे आए हैं, जो नए मेहमान आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिलते रहें। प्रॉफिटेबल कॉल यहाँ मिलती है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं दोस्तों। ये दोस्तों मैं ये वीडियो में दोस्तों एजुकेशन पर्पज की नज़र से बनाता हूँ, तो ये वीडियो भी एजुकेशन पर्पज की नज़र से बनाया गया है। तो इसको देखे समझे उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे आप अपनी एनालिसिस खुद करें एक बार और अपने एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें ट्रेड करें, अन्यथा दोस्तों आप इसको वाच करें। किसी प्रकार के दोस्तों रिस्क की जिम्मेदारी दोस्तों आपकी खुद की रहेगी, प्रॉफिट भी होता है दोस्तों आपका रहता है। तो दोस्तों किसी प्रकार के लॉस की जिम्मेदारी एसएस मार्केट न्यूज की नहीं होगी। यहाँ पे दोस्तों आपको एजुकेशन पर्पज के नजर से बताया जाता है। आप इसमें ट्रेड करने से पहले आप इसको सोचे समझे। ओके दोस्तों।